जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS News TV और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक करना चाहते हैं आज की हेडलाइंस। शिंदे ने सही ठहराया उद्धव से अलग होने का निर्णय, कहा साथ रहते तो टूट जाती पार्टी। उपचुनाव के पहले राहुल गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा। दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल राष्ट्रपति मुर्मू अमित शाह और JP नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिंदे ने सही ठहराया उद्धव से अलग होने का निर्णय, कहा साथ रहते तो टूट जाती पार्टी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2022 में उद्धव ठाकरे से अलग होने के अपने फैसले को सही कदम बताते हुए रविवार को कहा कि अगर वह उनके साथ रहते तो पार्टी टूट जाती, चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी खत्म हो जाता। एक बातचीत में शिंदे ने कहा कि उस समय हमने देखा कि पार्टी कोई और चला रहा था, नेतृत्व कोई और कर रहा था। महाराष्ट्र CM ने कहा कि अगर उस समय एकजुट शिवसेना का भाजपा के साथ गठबंधन होता तो उनकी विचारधारा ठीक होती और वे सभी एकजुट रहते। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। उपचुनाव के पहले राहुल गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंच रहे हैं। एक दिवसीय दौरे रायबरेली के नसीराबाद क्षेत्र के पिछवरिया स्थिति गांव में अर्जुन पासी के परिजनों से मुलाकात करें। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल राष्ट्रपति मुर्मू अमित शाह और JP नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर बंगाल सहित पूरे देश में मचे बवाल के बीच राज्यपाल CV आनंद बोस दिल्ली दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें राज्य के हालात और राज्य में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी दे सकते हैं। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का, लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बन रही है MNS News TV पर। नमस्कार।